हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक नंबर 6। और इसमें हम देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में हम कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे पहचान सकते हैं, कि किसी मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आयनिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसी से लिंकेज है। ओके, उससे पहले आप देख लीजिए कि इससे आपको आपके एग्जाम में किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, मतलब कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो देखो, हाँ, कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, अपनी वैलेंसी के बराबर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए तुम्हें ये दोनों पॉइंट को समझना पड़ेगा। देखो, यही रिजल्ट है, ठीक है, यही रिजल्ट है कि कोई भी एलिमेंट वैलेंसी इज इक्वल्स टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर एनी एटम। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला स्टेटमेंट क्या है कि टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग शुड बी अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए वैलेंस सेल के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। ओके, अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का लिंक वैलेंसी से कैसे है? अब वैलेंसी देखो क्या होती है, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड, सब लोग जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ एनी एटम, वैलेंसी होती है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इक्वल होता है नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के। कैसे? देखो, वैलेंसी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ एनी एटम। ओके, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस किसी एटम के पास जितने होते हैं उतने ही उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आते हैं। इस स्टेटमेंट से सुनो, इस स्टेटमेंट से देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं, देखो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वैलेंसी 3, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी 3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 है। तो और ऑक्सीजन के केस में भी देखो, वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है। ओके, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और उसको इक्वल कर सकते हैं नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल के। देखो यहाँ से, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल और जिसके पास किसी के पास जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो उतने ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कहाँ से मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले स्टेटमेंट से। तो यहाँ हम वैलेंसी और कोवेलेंट बॉन्ड को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, ध्यान से सुनो, वैलेंसी जिसकी किसी की जितनी होती है उसके पास उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास उतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, और जिसके पास जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं ना कि वैलेंसी इज इक्वल्स टू कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं फॉर एनी एटम। इसका मतलब यह है कि किसी एटम के पास उसकी वैलेंसी के बराबर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और अगर कोई एटम अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है तो उसमें कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट दोनों मौजूद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या ले लें, जैसे HNO3 ले लो भाई मेरे, HNO3। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई मेरे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड कितने बनाया है, नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बनाया है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही पूछ दे कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, तो तुमको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि वो एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो, H2SO4 में देखो सल्फर डबल बॉन्ड ओ सिंग, ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने बताया था ना,
कि एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, पॉसिबल OH लगाते हैं और जो बच जाता है उसको उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। तो सल्फर की वैलेंसी भैया मेरे दो होती है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का होता है और सल्फर, यहाँ बॉन्ड कितने बनाए हैं, 6 बॉन्ड बनाया है। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर रहेगा। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ओके, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। अब कितने कोवेलेंट बॉन्ड या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उसको काउंट, उसको मतलब जानने के लिए इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि अगर कोई एलिमेंट ए है, ये बी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, और ए कहाँ बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड में। देने वाले से मतलब है, लेने वाले से मतलब नहीं है, कुछ जो दे रहा है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी में, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और वही कोई ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड या बिलो थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट ए है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ए डबल बॉन्ड बी में। और इसको समझने के लिए भैया मेरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला लेक्चर देखो, केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला लेक्चर, उसमें पूरा अच्छे से समझाया हूँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ये दो बातें ध्यान में रखो कि ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ए कहाँ है, सेकेंड पीरियड में है। सेकेंड पीरियड में तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ए कहाँ है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो, ध्यान सुनो, वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि HNO3 का ही ले लेते हैं, HNO3। अब HNO3 में पूछे तुम्हारे कितने कोवेलेंट बॉन्ड और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो देखो स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब मैंने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट के पास उसके, इसने टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है। तो मैंने क्या बोला, अपनी वैलेंसी के बराबर ही कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पूछे तो 3 हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछे तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपनी वैलेंसी से जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया होगा उतना वही उतना बॉन्ड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अपनी वैलेंसी से एक ज़्यादा बॉन्ड बनाया है तो इसके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। उसी तरह अगर देखा जाए H2SO4 मॉलिक्यूल में, तो सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O। मैंने क्या बोला, थर्ड यहाँ पे जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, वो ऐसा होता है, सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, क्यों ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ बताया मैंने कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्यों कन्वर्ट हो जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मैंने क्या बोला कि वैलेंसी के बराबर कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और हमेशा पहले सिंगल बॉन्ड वाले को ही काउंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वैलेंसी दो होती है तो दो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, और ये वाले बॉन्ड जो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाया है। इसीलिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो वैलेंसी के बराबर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो दो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ थर्ड, अगर थर्ड या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, देखो सिंपली ऐसे जानो कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना है तो थर्ड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है सेंट्रल एटम, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो अपनी वैलेंसी से जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया होगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो अपनी वैलेंसी से जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया होगा उसको 2 से डिवाइड दे देना, जितना आएगा वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वैलेंसी से कितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया, 4 ज़्यादा बॉन्ड बनाया, तो 4/2 कर दो, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्यों 2 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि ये सिंगल वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड दे दिया। तो सिंपली इतना ध्यान में रखो कि किसी भी, 3 पॉइंट याद रखो कि पहला पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी के बराबर ही बॉन्ड बनाता है। अब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है कोई एलिमेंट, ये जानने के लिए कि ये जानना है, तो थर्ड अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो अपनी वैलेंसी से जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया होगा उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके पास होंगे, और अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो अपनी वैलेंसी से जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया होगा उसको 2 से डिवाइड दे देना, जो आएगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर पूछ दे तुमसे कि अमोनियम क्लोराइड में कितने कोवेलेंट या कितने आयनिक, कितने कोवेलेंट, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो NH4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है, तो एक आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। और कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट देखने के लिए देखो, 4 बॉन्ड बनाया है अमोनिया, तो मैंने क्या बोला,
वैलेंसी के बराबर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और आयनिक बॉन्ड कितना, वैलेंसी से कितने ज़्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बनाया है वैलेंसी से ज़्यादा, तो एक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। सो सिंपल। उसी तरह तुमको इस तरह का ब्लू विट्रियॉल दे देता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, ऐसे दे देगा ब्लू विट्रियॉल, या फिर नाम लिख के दे देगा। ये एक्चुअली में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे कॉपर का और H2O कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ सल्फेट होगा और बाहर क्या होगा, H2O होगा। तो इसमें किस किस टाइप के बॉन्ड होंगे, तो देखो भैया मेरे यहाँ पे क्या होता है, इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो कॉपर हो गया और ये H2O हो गया, होल फोर हो गया, इस पर क्या होता है तुम्हारा +2 होता है, और ये सल्फेट होता है -2 होता है। तो आयनिक बॉन्ड तो सीधे दिख जाए, जब चार्ज दिख जाए तो आयनिक बॉन्ड इसमें है, ठीक है। कौन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ओके आयनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होगा ही क्योंकि सल्फेट है, सल्फेट है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ही, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है क्योंकि सल्फर यहाँ चार से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा बॉन्ड बनाया, अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, और जहाँ भी तुम्हें फोन से जुड़ा हाइड्रोजन दिख जाए, फोन से जुड़ा हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो यहाँ देखो चारों बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अगर कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के बाहर हाइड्रोजन है, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, ठीक है। ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्री नहीं होते भैया मेरे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले फ्री नहीं होते हैं। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा, सल्फेट में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों हैं, और इस पर चार्ज होने की वजह से आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके समझ में आ गया कि कैसे पहचानना, अगर ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पहचानोगे, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फोन से जुड़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप तुम इस कंपाउंड के लिए बता देना हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट में कमेंट बॉक्स में बताना कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस किस टाइप के बॉन्ड है, ठीक है, किस किस टाइप के बॉन्ड है। ओके तो यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पहचानने के तरीके, मेन यही है। देखो आयनिक बॉन्ड पहचान लोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पहचान लोगे। आयनिक बॉन्ड क्या, कैटायन एनायन, चार्ज दिखा तो आयनिक हो जाएगा, फोन से जुड़ा हाइड्रोजन दिखा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। मेन क्या था, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो मैंने बता दिया तरीका, ठीक है। अब इसमें तुम बताना कि कौन कौन से बॉन्ड है, ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड है। और अगर ये तुम सीख गए कि किसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो मैं तुम्हें दो चीज़ें सिंपली, फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल चार्ज वो सेकेंडों में निकालना सिखा दूंगा, विद इन 5 सेकेंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड होता है। और ये जो पी पाई और या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है ना, ये भी मैं बता दूंगा। दो चीज़ देखो, बाई वन गेट वन फ्री होता है, लेकिन मैं बाई वन गेट वन टू फ्री दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल चार्ज या फिर पी पाई बॉन्ड ही बताऊंगा। और ये किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। तो सिंपली इस लेक्चर को समझ गया तो दो चीज़ें फ्री में मिलेंगी, बाई वन गेट टू फ्री मिलेगा। ओके तो इस लेक्चर को देख लो और जो क्वेश्चन दिया उसको लगा लो, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इन दोनों की ट्रिक और इससे रिलेटेड है। ओके।